हाय एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ हरे मटर की कचौरी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। गैस की फ्लेम ऑन कर लिया मैंने। सबसे पहले ऑयल डालेंगे, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है आपको, थोड़ा सा ही ऑयल डालना है। ऑयल गर्म हो गया है तो सबसे पहले हम अजवाइन डालेंगे, हल्का सा क्रश करके डालना है आपको। बारीक कटा हुआ लहसुन डाल देंगे। लहसुन को हल्का ब्राउन करेंगे। लहसुन हल्का ब्राउन हो गया है तो हम इसमें अदरक डाल देंगे। अदरक को भी भूनेंगे थोड़ा सा। हरी मिर्च डाल देंगे, इसे भी हल्का फ्राई करेंगे मिर्च को। मटर डालेंगे, सारा मटर डाल देंगे हम इसमें। मिक्स करेंगे अच्छे से, इस तरीके से आपको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे, एक चम्मच नमक डालेंगे, एक से डेढ़ चम्मच। धनिया ऐड करेंगे, सारा धनिया डाल देंगे इसमें। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। मटर को फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है इसे, तो हम इसे ढक देते हैं। जब तक मटर हमारा फ्राई हो रहा है, हम कचौरी बनाने के लिए आटे का डो रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर लिया मैंने गेहूं का आटा, इसमें मैं डालूंगी अजवाइन, थोड़ा सा क्रश करके डालना है आपको इस तरीके से। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसमें, दो से तीन चम्मच, आधा चम्मच नमक भी डाल देंगे, थोड़ा सा लाल मिर्च। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे हाथ की सहायता से, इस तरीके से मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। तो आइए पहले हम डो रेडी कर लेते हैं। देखिए आटे का डो भी रेडी हो गया है। तो आइए अब हम देख लेते हैं हमारा मटर पका कि नहीं। देखिए मटर भी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो हम गैस की फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये ठंडा होगा, हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे, इसकी स्टफिंग बनाएंगे कचौरी बनाने के लिए। तो आइए पहले इसे हम ठंडा करते हैं। देखिए मैंने इसे मिक्सी के जार में रख दिया है, अब मैं इसे ग्राइंड करूँगी। देखिए स्टफिंग हमारा रेडी है मटर का कचौरी बनाने के लिए। तो हम बनाना शुरू करेंगे कचौरी। अब हम कचौरी की स्टफिंग करेंगे। देखिए इस तरीके से कटोरी के शेप में आपको आटे को कर लेना है। इस तरीके से स्टफिंग भरना है इसमें। देखिए अब हम इसे बेल लेंगे हल्के हाथों से, इस तरीके से आपको बेल लेना है। इसी तरीके से हम और भी कचौरी रेडी करेंगे। देखिए इस तरीके से मैंने स्टफिंग कर ली है। गैस की फ्लेम ऑन कर ली है मैंने यहाँ पर एक तवा रख दिया है। तवा को गर्म करेंगे,
पहले हमने जो ये कचौरी बनाया है इसको तवे पर सेकेंगे इस तरीके से। पहले इसे सेक लेना है अच्छे से। इसे हम पलट देंगे एक साइड से, इस तरीके से पका लेना है आपको। ये पक गया है तो हम इसे हटा देंगे, इस तरीके से आपको हटा लेना है। यहाँ पर हमने जो और कचौरी रेडी की थी इसे भी सेक लेंगे इस तरीके से। इसे भी हम सेक लेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है गैस के दूसरी तरफ, इसमें मैं ऑयल डालूंगी, रिफाइंड ऑयल। ऑयल गरम हो गया है तो हम कचौरी फ्राई करेंगे। देखिए इस तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से फ्राई करेंगे हम। देखिए पलट देंगे दोनों साइड से। देखिए दोनों साइड से हम इसे अच्छे से पकाएंगे कचौरी को। ये अच्छे से फ्राई हो गई है तो अभी इसे हम बाहर निकालेंगे। इस तरीके से आपको बाहर निकाल लेना है इसको। इसी तरीके से और भी फ्राई कर लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स कचौरी हमारी रेडी है, बहुत ही क्रिस्पी कचौरी बनी है ये, आप देख सकते हैं ये देखिए। और ये खाने में भी बहुत अच्छा लगता है हरे मटर की कचौरी, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिए। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।